एक था राजा एक थी रानी, एक था राजा एक थी रानी, फिर घूम गई हिमाचल के चुनावों की कहानी। रानी के पेट में फंसी उपचुनाव की शतरंज। मंडी सीट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए प्रतिष्ठा का सवाल। अर्की की दुविधा में दो फंसे, ना कांग्रेस को सुकून ना भाजपा को आराम। जुब्बल कोटखाई में क्या परिवारवाद की भेंट चढ़ जाएगा चेतन बरागटा का टिकट, और फतेहपुर की फतेह कांग्रेस भाजपा को नहीं आसान। नमस्कार, मैं रविंद्र पंवर और TSR TV के सियासी संग्राम में आपका स्वागत है। दर्शकों, उपचुनाव का डंका बज चुका है, कांग्रेस ने अपने टिकटों की घोषणा कर दी है, लेकिन भाजपा अभी पसोपेश में फंसी हुई है। ये पसोपेश भाजपा को ना केवल मंडी सीट जो कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है और इसी हिसाब से उनकी प्रतिष्ठा का खासा सवाल बनी हुई है। इसके अलावा अर्की विधानसभा क्षेत्र, वहां पर भी कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दुविधा में फंसे हुए हैं, दोनों को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। जुब्बल कोटखाई में परिवारवाद ना चले, परिवारवाद भाजपा में ना हावी हो, ये सवाल भाजपा के सामने खड़ा हो गया है। और फतेहपुर में चाहे भाजपा के कृपाल परमार हो या कांग्रेस के भवानी पठानिया हो, दोनों को अपनी ही पार्टी में विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आज बुधवार को क्या समीकरण बन रहे हैं, अभी तक क्या कुछ हुआ, ये हम अपने दर्शकों के साथ इस लाइव स्ट्रीम में साझा कर रहे हैं। अधिक से अधिक आप इस लाइव को शेयर करें और जानें कि हिमाचल में उपचुनाव की राजनीति के दौरान क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मंडी संसदीय सीट के उपचुनाव से, जो कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा के मुख्यमंत्री और इन चुनावों में जो भाजपा का एक चेहरा है, उनके दम पर भाजपा हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव जीतने जा रही है। क्योंकि इस बार उपचुनाव है तो केंद्रीय नेता भी इन चुनावों में कम ही प्रचार को आएंगे। मोदी शाह जैसे नाम इस बार हिमाचल प्रदेश में इन उपचुनावों में नहीं सुने जाएंगे, नहीं दिखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले खुद ही कह चुके हैं कि उनकी प्रदेश सरकार सक्षम है इन चुनावों को जीतने में, केंद्रीय नेताओं की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और छोटे चुनाव में मोदी शाह जैसे बड़े नाम होंगे भी नहीं। तो हम सीधे सीधे बात करेंगे मंडी सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसकी, क्योंकि जब कांग्रेस ने रानी प्रतिभा सिंह को मंडी संसदीय क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो इससे ना केवल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बल्कि पूरा भाजपा का कुनबा भी असहज हो गया है। मंडी सीट से कांग्रेस की प्रतिभा सिंह बहुत बड़ा नाम है, हालांकि ऐसा भी नहीं कि प्रतिभा सिंह वहां से हारी नहीं। कुल्लू से राज परिवार से जो महेश्वर सिंह है, उन्होंने रानी को हराया भी है, प्रतिभा सिंह को हराया भी है, और इस बार भी मंडी सीट से महेश्वर सिंह का ही नाम आगे चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस सीट को बचाने के लिए, या ये कह लीजिए कि कुछ और सियासी समीकरण प्रदेश की भाजपा राजनीति में या सरकार के संचालन में कुछ ऐसे समीकरण है कि वो चाह रहे थे और भाजपा पूरी पार्टी चाह रही थी कि मंडी सीट से किसी मंत्री को लड़ाया जाए, जिसमें जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और कुल्लू से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का नाम बड़े जोर शोर से चल रहा था। लेकिन यह लोग टिकट पर चुनाव लड़ने में आनाकानी महसूस कर रहे थे, इसलिए अब जो है वो महेश्वर सिंह और कारगिल के वार हीरो रहे अपने ब्रिगेडियर खुशाल सिंह, उनका नाम जो है प्रमुखता से मंडी सीट पार्लियामेंट्री से भाजपा के दावेदारों के रूप में चल रहा है। लेकिन भाजपा अभी तक ये नाम घोषित नहीं कर पाई है, जबकि कांग्रेस ने बीती शाम को ही अपने चारों उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो हम मंडी में बताना चाह रहे हैं कि जैसे मुख्यमंत्री के लिए खासी प्रतिष्ठा इसलिए है क्योंकि उनका गृह जिला है, वो सराज से विधायक है और प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री है, तो यदि कांग्रेस इन उपचुनावों में भाजपा को मंडी से ही चित करती है तो ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्रित्व पर एक बहुत बड़ा सवाल होगा। इसलिए जयराम नहीं चाहते, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते और कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते कि इस सीट पर उन्हें किसी तरह की मात मिल सके। ऐसे में जैसा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले दिनों ही अपने उपचुनाव क्षेत्र में
अपने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि दुनिया और हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक इतिहास याद रखेगा कि एक सराजी आया था। तो मुख्यमंत्री ने वही सराजी वाली रणनीति चलते हुए हम आपको बता देते हैं कि अपने मंडी दौरे के दौरान उन्होंने अनिल शर्मा से मुलाकात की। अनिल शर्मा पंडित सुखराम के पुत्र हैं और भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं। देखिए राजनीतिक समीकरण किस तरह से बनते बिगड़ते हैं। ये वही अनिल शर्मा है जिनके साथ बतौर मंत्री रहते हुए जिनका मुख्यमंत्री के साथ सीधा टकराव था और सार्वजनिक मंचों से भी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और अनिल शर्मा जो है सरकार में उनकी अनदेखी का आरोप लगा चुके हैं और यहाँ तक कह चुके हैं कि भाजपा उन्हें और सरकार उन्हें उनके ही गृह क्षेत्र में अनदेखा कर रही है। और अब सिर्फ और सिर्फ मंडी के समीकरण बदलने के लिए और अपने फेवर में लाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उन्हीं अनिल शर्मा से समझौता कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। ये एक राजनीति की वानगी है क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में कोई हमेशा कोई दोस्त नहीं रहता और हमेशा कोई दुश्मन भी नहीं रहता है। ठीक इसी परिपाटी पर चलते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब अनिल शर्मा से हाथ मिला रहे हैं, पंडित सुखराम परिवार से हाथ मिला रहे हैं ताकि मंडी के उपचुनाव में उन्हें कोई कोर कसर ना दिखे और किसी भी तरह से कोई लूपहोल ना रह पाए। तो ये मंडी का जो उपचुनाव है वो अपने आप में हिमाचल प्रदेश के चारों हलकों के उपचुनावों में सबसे ज़्यादा रोचक होगा क्योंकि यहीं पर सरकार की सारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। भाजपा का पूरा कुनबा ना केवल प्रदेश का संगठन बल्कि केंद्रीय संगठन भी यही चाहेगा कि जिस जगह से उन्होंने मुख्यमंत्री दिया है और हिमाचल प्रदेश में पहली बार जिसे मध्य हिमाचल कहा जाता है मंडी क्षेत्र से किसी भी पार्टी ने मुख्यमंत्री दिया है हिमाचल प्रदेश को और वो काम किया है केवल और केवल भाजपा ने, तो भाजपा इस बात को भी भुनाना चाहेगी। रही जहां तक बात भाजपा के टिकटों की तो हम आपको बता ही चुके हैं कि महेश्वर सिंह जो मंडी संसदीय क्षेत्र से पहले भी सांसद रह चुके हैं वो अब टिकट की रेस में सबसे आगे है, लेकिन कुछ पेच है जो उन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा है और सीधे सीधे घोषित नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि महेश्वर सिंह पहले भी भाजपा से बगावत कर चुके हैं, अपने आप अपनी पार्टी बना चुके हैं और फिर दोबारा से वो अब भाजपा में शामिल हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वो कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से विधायकी का चुनाव भी हार गए थे, लेकिन अब फिर से वे चाहते हैं कि मंडी संसदीय क्षेत्र से उन्हें टिकट दिया जाए और भाजपा का एक धड़ा भी उनकी फेवर में है। देखना होगा कि आज शाम तक या कल तक भाजपा जब अपने टिकटों की घोषणा करती है तो उसमें मंडी संसदीय क्षेत्र सहित तीनों निर्वाचन क्षेत्र पर किस किस शख्स को किस किस उम्मीदवार को भाजपा चुनावी मैदान में उतारती है। इसके बाद हम बात करना चाहते हैं अर्की की। अर्की निर्वाचन क्षेत्र इस समय हिमाचल प्रदेश में सबसे हॉट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनकर सामने आया है। कारण कि पहले तो यहाँ पर भाजपा को ही जो अभी घोषित प्रत्याशी नहीं हुए थे उनके खिलाफ विरोधी स्वर सुनाई दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस में तो इससे भी बड़ा धमाका हो गया है। बीते कल ही कांग्रेस का टिकट जैसे ही घोषित हुआ, संजय अवस्थी को कांग्रेस ने वहाँ से उम्मीदवार बनाया, उसी दौरान अर्की में जो कांग्रेस का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है उन्होंने बैठक करके सामूहिक तौर पर लगभग 150 पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपने पदों से त्याग पत्र दे दिए हैं। और दूसरी तरफ देखिए कि इनका त्याग पत्र देना था कि प्रदेश कांग्रेस ने बिल्कुल त्वरित एक्शन लेते हुए पूरी ब्लॉक कार्यकारिणी को भंग कर दिया और वहाँ से कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिया गया। अब देखिए अर्की में समीकरण किस तरह से बदल रहे हैं। एक समय कांग्रेस अर्की में माइलेज लेना चाह रही थी कि उनके जो संभावित प्रत्याशी है उसके खिलाफ विरोधी स्वर या बगावती स्वर उभर रहे हैं। अब वही पेज कांग्रेस के पास कांग्रेस की पार्टी में ही फंस गया है। 2007 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे बिल्कुल वैसी ही स्थिति कांग्रेस की अर्की निर्वाचन क्षेत्र में बन गई है। 2007 के दौरान जो पूर्व मंत्री एवं पूर्व डिप्टी स्पीकर धर्मपाल ठाकुर का कांग्रेस ने टिकट काटकर सोनिया गांधी के करीबी एक प्रकाश करण को वहां से उम्मीदवार बनाया था विधानसभा के आम चुनाव में, तो उस दौरान वहां पर धर्मपाल गुट ने बगावत कर दी थी, जैसा कि इस बार हुआ है कि पूरी की पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने इस्तीफा दिया है। ठीक उसी तरह 2007 में भी
वहां पर कांग्रेस के पदाधिकारियों और नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। धर्मपाल बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे और उस समय भाजपा ने गोविंद राम शर्मा को वहां से टिकट दिया था और गोविंद राम शर्मा का खाता खुला क्योंकि कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी और कांग्रेस के बागी प्रत्याशी में आपस में ही एक दूसरे की वोट काटते रहे और इसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस को वो सीट गंवानी पड़ी और भाजपा के गोविंद राम शर्मा वहां से विधायक बने। और कांग्रेस की तो ये हालत हुई कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो प्रकाश करण थे वो तीसरे नंबर पर गए, अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। तो ठीक यही स्थिति अब दोबारा से अर्की में बन रही है। अर्की में कांग्रेस ने संजय अवस्थी को टिकट थमाया है। संजय अवस्थी के खिलाफ, उनको टिकट दिए जाने के खिलाफ अर्की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने इस्तीफा दे दिया है। वहां पर सतीश कश्यप को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है और आज उनके नेतृत्व में अपने सतीश कश्यप और संजय अवस्थी ने अपने समर्थकों के साथ वहां पर मार्च भी किया, अपना शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का ये कुछ लोगों का इस्तीफा हुआ है तो वैसे कांग्रेस की स्थिति वहाँ पर थोड़ी विकट भी बन गई है। अब देखना होगा कि इस स्थिति से निकलने के लिए कांग्रेस क्या प्रयास करती है, किस तरह से पार्टी के उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनाया जाता है जो अवस्थी को टिकट देने के खिलाफ है। और इनका आरोप है कि अवस्थी ने जिस समय गत विधानसभा चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह वहां से चुनाव लड़े थे तो कहा जा रहा है, इनका आरोप है बागी नेताओं का कि अवस्थी ने उनके खिलाफ काम किया था, इसलिए वो लोग अवस्थी को टिकट देने के पैरवी नहीं कर रहे, उसके हक में नहीं है। लेकिन देखते हैं कि किस तरह से कांग्रेस जो है अपने बागियों को मनाती है और इस सीट पर फाइट करती है। दूसरी तरफ जो भाजपा के प्रस्तावित उम्मीदवार है रतन पाल, उनके खिलाफ पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा झंडा बुलंद किए हुए हैं। यहाँ भी देखना होगा कि भाजपा अर्की की सीट पर चुनौती का सामना करने के लिए किस तरह से दोनों उम्मीदवारों में एका करवाकर आगे की रणनीति चलाती है, शुरू करती है और किस तरह से अर्की के चुनाव लड़े जाते हैं। इसके अलावा शिमला जिले का जो हमारा नरेंद्र बराकटा थे, उनके निधन से खाली हुई जुब्बल कोटखाई सीट पर है, वहाँ पर भी जो प्रस्तावित उम्मीदवार है और जिनका प्रबल दावा बन रहा था नरेंद्र बराकटा के बेटे चेतन बराकटा, तो चेतन बराकटा के टिकट पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं क्योंकि वहाँ से जो पंचायती राज की एक नेत्री है भाजपा की नीलम सरायक, वो जो है परिवारवाद का आरोप लगा रही है पार्टी में कि इस तरह से भाजपा की जैसे संगठन में परिवारवाद नहीं चलना चाहिए, पिता की जगह बेटे को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि कार्यकर्ता और भी है। और नीलम सरायक के इस दावे के बाद पार्टी भी कुछ सकते में है क्योंकि भाजपा शुरू से ही परिवारवाद के खिलाफ रही है। और अब जब नरेंद्र बराकटा का निधन हुआ तो उनके बेटे को नाम टिकट के लिए आगे किया गया और लगभग फाइनल माना जा रहा है अभी तक कि चेतन बराकटा को ही टिकट मिलेगा। लेकिन कुछ अंदर के भाजपा से जुड़े हुए सूत्र बताते हैं कि परिवार अपने भाजपा का एक कुनबा एक धड़ा इस बात पर भी विचार कर रहा है कि इन उपचुनावों में भाजपा के पास सबसे बड़ा हथियार कांग्रेस के खिलाफ परिवारवाद ही होगा क्योंकि कांग्रेस ने एक जगह मंडी में एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट के लिए आगे बढ़ा रही है, चुनाव लड़वा रही है। पहले वीरभद्र सिंह थे, प्रतिभा सिंह थी, अब फिर से दोबारा प्रतिभा सिंह वहां से चुनाव लड़ रही है। और फतेहपुर में भी कांग्रेस ने ऐसा ही किया है, वहां भी जो हमारे सुजान सिंह पठानिया थे उनके निधन से खाली हुई फतेहपुर सीट है, वहाँ पर सुजान सिंह के बेटे भवानी सिंह पठानिया को टिकट दे दिया है कांग्रेस ने। तो भाजपा इन दोनों हलकों में परिवारवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाकर पेश करना चाह रही है। तो इसके चलते हो सकता है कि जुब्बल कोटखाई में चेतन बराकटा का टिकट काटकर किसी और को दे दिया जाए यदि भाजपा के इस गुट की चलती है तो। वैसे अभी तक चेतन बराकटा का ही टिकट फाइनल माना जा रहा है जुब्बल कोटखाई से। इसके बाद फतेहपुर की फतेह आती है जहां पर फतेह करने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जोर लगा रही है। कांग्रेस ने यहां से स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के बेटे भवानी सिंह पठानिया को टिकट दिया है और भवानी सिंह पठानिया ने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है। लेकिन अंदर खाते कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां भी इस टिकट का विरोध कर रहे हैं जबकि भाजपा में भी ऐसा ही विरोध हो रहा है। भाजपा यहां से पूर्व सांसद
कृपाल परमार को टिकट देना चाहती है, लेकिन पिछले दिनों ही वहां पर कृपाल परमार गो बैक के पोस्टर भी दीवारों पर पाए गए थे और लोगों ने विरोध जताया था कि उन्हें यहीं का स्थानीय फतेहपुर से ही संबंध रखने वाला, धरती से जुड़ा, जमीन से जुड़ा उम्मीदवार चाहिए जिसके लिए सब पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर सके। तो ये थी हिमाचल प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र से लेकर अर्की निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र, जुब्बल कोटखाई विधानसभा और फतेहपुर विधानसभा का एक समीकरण जो कि अभी तक बन रहे हैं। और ये समीकरण तब तक है जब तक कि अभी सिर्फ कांग्रेस ने यहाँ पर टिकट की घोषणा की है, जबकि भाजपा अभी आज शाम तक माना जा रहा है कि टिकटों की घोषणा हो सकती है, लेकिन कब तक ये घोषणा होगी ये तय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भाजपा बहुत फूंक फूंक कर और सोच समझ कर ही टिकट देना चाहती है, क्योंकि भाजपा के लिए ये उपचुनाव ही प्रतिष्ठा नहीं है, उनके लिए अगले साल होने वाले विधानसभा के आम चुनाव इससे भी बड़ा फाइनल है जिसकी तैयारी भाजपा इन उपचुनाव के जरिए करना चाहती है और प्रदेश की जनता को दिखाना चाहती है भाजपा कि उनकी सरकार जो एक आम व्यक्ति से जुड़ा मुख्यमंत्री, एक नया चेहरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दिया गया था, उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कितना ईमानदारी से कार्य किया, इसी दम पे भाजपा जो है मिशन 2022 में रिपीट करना चाहती है जो कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में पिछले 3-3.5 दशकों से नहीं हो पाया है। केवल कांग्रेस ही 2 बार हिमाचल प्रदेश में सरकार रिपीट कर पाई है, उसके बाद कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है, चाहे मुख्यमंत्री शांता कुमार रहे हो, चाहे प्रेम कुमार धूमल रहे हो या वीरभद्र सिंह रहे हो, भाजपा जो है भाजपा या कांग्रेस कोई भी अपने आप को दोबारा रिपीट नहीं कर सकी और बारी बारी का खेल चला हुआ है। लेकिन इस बार भाजपा दावा कर रही थी कि हम इस खेल को बंद करेंगे और जो मुख्यमंत्री और जो सरकार भाजपा की बनी है उसे रिपीट करवाएंगे। खैर उन फाइनल जो होगा सत्ता का उसमें क्या होता है ये तो बाद की बात होगी, लेकिन सियासी संग्राम में अभी जो उपचुनावों की राजनीति चल रही है हिमाचल प्रदेश के चारों चुनाव हलकों में, वो TSR ने इस लाइव स्ट्रीम के जरिए आपके साथ शेयर की है। हम आगे भी इसी तरह आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे हिमाचल प्रदेश में शुरू हुए उपचुनाव के संग्राम की। TSR के सियासी संग्राम में अभी इतना ही, हमें दे इजाज़त। जय हिंद, जय हिमाचल।